अभी तो हम साहेबगंज पहुंच चुके हैं और देखते हैं लॉकडाउन में कैसा साहेबगंज का सड़कें और मार्केट है। लेकिन भीड़ भाड़ तो नज़र आ रही है, कोई मास्क यूज कर रहा है, कोई मास्क यूज नहीं कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कैसा है नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। मेडिकल तो खुला नज़र आ रहा है, स्टेशन के पास ये साइड में का दुकान सब था खाली कर दिया लॉकडाउन से ना। जी अभी मंदिर पूरा जगह खाली है, पटेल चौक चलते हैं, बैंक में कैसा भीड़ है देखेंगे। यहाँ पे सब्जी मंडी लगा करता था, अभी सब्जी मंडी नहीं है, लॉकडाउन कोरोना की वजह से बंद पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में सारी दुकानें फुटपाथ की बंद है, जो दुकान है वो खुली हुई है और जो फुटपाथ पे है वो सारी बंद है। जैसे कि पटेल चौक के आसपास एक भी दुकान नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ लस्सी की दुकान थी और फूल माला वगैरह सब बेचने वाला, ये भी बंद था। और इस जगह भी बंद है, सारी जगह बंद है। तो लॉकडाउन खैर दुकानें बंद नज़र आ रही, लेकिन भीड़ भाड़ जो है सो वैसा ही है, कुछ खास चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है। मिठाई दुकान खुली हुई है, पुरानी अस्पताल के सामने हम हैं, अस्पताल में भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है, देखिए काफ़ी भीड़ है। अंदर नहीं जाएंगे कोरोना की वजह से, कोई खास हमको काम नहीं है, बस हमको बार बार सिर्फ देखना है कोरोना में मार्केट कैसा है। और ये रेलवे स्कूल साहेबगंज के विद्यालय तो अभी बंद पड़ी हुई है, चलते हैं चौक बाज़ार की ओर। चौक बाज़ार में नई सड़कें बन रही है, ये आप नीम गाछ फोटो ने बस चढ़ा रहे अपना चैनल पे चढ़ा रहे यूट्यूबर का। क्या हुआ? हम देख रहे फोटो ले रहे हैं। हाँ नहीं, यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पे चढ़ा रहे अपने लिए चैनल में चला देगा। स्टेट बैंक प्रशासन तो लगी है, सभी जगह भीड़ है। अभी भी बाजार बंद पड़ा हुआ है, मॉल डी प्रैक्टिकल लिखे था। चलो चलो चलो, पोस्ट ऑफिस के सामने ये मंदिर अभी बन ही रहा है, यहाँ पे मंदिर आपको नज़र आ रहा है अभी बन ही रहा है, और दुकान चौक बाज़ार में लगभग बंद है।
नेक्स्ट वीडियो जो होगा हॉस्पिटल जाके थोड़ा विजिट करेंगे, देखेंगे हॉस्पिटल में कैसा स्थिति है।